Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single up. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज हम बनाएंगे ब्लू मॉकटेल. जी हाँ, इस गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है. ब्लू मॉकटेल बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी अपने घरों में तैयार कर सकते हैं. आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे. ब्लू मॉकटेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिंट ले लेना है. मैं आज यहाँ पे मिंट फ्लेवर में मॉकटेल बनाऊंगी और उसके लिए ये इस तरह की पत्तियां हमें तोड़ लेनी है छोटी छोटी. और इसके साथ लेमन हमें चाहिए. लेमन को हमने यहाँ गोल स्लाइस किया हुआ है, कुछ हमने क्यूब में काटा है. आपको जैसा पसंद हो आप वैसा इसमें स्लाइस या क्यूब में डाल सकते हैं. और इनके साथ हमने यहाँ पे क्यूब में बर्फ लिया है और थोड़ा सा हमने क्रश किया हुआ बर्फ लिया है. और गार्निश के लिए हमने यहाँ पीसी हुई शक्कर लिया है. ग्लास को गार्निश इससे करेंगे. और इसके साथ हमने यहाँ ब्लू क्रेसो सिरप लिया है जो कि मार्केट में बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा. और इसका आने वाली वीडियो में मैं इस सिरप को किस तरह से तैयार करते हैं घर में वो बनाना बताऊंगी. और बहुत ही अच्छी ये ड्रिंक है. और ये ब्लू क्रेसो नॉन एल्कोहल और एल्कोहल दोनों में आता है. मैंने यहाँ नॉन एल्कोहल वाला ब्लू सिरप लिया है. तो इस चीज का आप मार्केट में अगर आप लेने जा रहे हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है. और घर में बनाना है तो मैं अगली वीडियो में जरूर डालूंगी क्रेसो सिरप किस तरह से घर में तैयार होता है. तो आइए इस ड्रिंक को मैं किस तरह से तैयार करती हूँ. इसके लिए सबसे पहले हमें जिस ग्लास में आपको सर्व करना है वो ग्लास ले लेंगे. तो मॉकटेल बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और छोटे हो या बड़े सभी इसे पीना चाहते हैं और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन इसका होता है. तो मैं चाहूंगी आप इसे जरूर ट्राई करें. तो सबसे पहले हमें जिस भी ग्लास में आपको सर्व करना है इसमें ये ब्लू क्रेसो सिरप डाल लेना है. मैं ये छोटे वाले में भी तैयार करूंगी. और इनके साथ ये पुदीने की पत्तियां आप चाहें इसको अपने हाथों से छोटा छोटा तोड़ लें और डाल दें इसमें. और इनके साथ ये लेमन डालूंगी. कुछ क्यूब में डालूंगी, कुछ मैं स्लाइस गोल स्लाइस में डालूंगी. इसके बाद हमें इसमें आइस डाल लेना है. आप चाहें इस तरह से क्यूब में डाल लें. बहुत ही फटाफट बनने वाला ये चिल ड्रिंक है. और रमजान में या बच्चों की कोई पार्टी वगैरह हो रही हो खासतौर पे इस गर्मी में जितना बर्फ होगा उतना ही मजेदार ये हमारा ब्लू मॉकटेल लगेगा और पीने भी बहुत मजा आएगा. इस तरह से ये वन पीच में इसमें काला नमक डालूंगी. काला नमक मैं जरूर डालूंगी इसमें क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है. और फिर इसमें मैं ये लेमन स्लाइस डालूंगी. और ये छोटे वाले ग्लास में मैं छोटे छोटे क्यूब में डालूंगी. और फिर इसके ऊपर मैं मिंट डालूंगी. और इसके ऊपर मैं ये ब्लू क्रेसो डालूंगी. और इसके अलावा आप चाहें तो सादा सोडा प्लेन सोडा जो आता है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्प्राइट डाल सकते हैं आप. मैं यहाँ सादा सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ. ग्लास तैयार हो जाएगा. इसके ऊपर एक बार फिर मैं ब्लू क्रेसो डालूंगी. और
इस तरह से ये हमारा ब्लू मॉकटेल तैयार हो जाएगा। एक नींबू का स्लाइस मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि देखने में अच्छा लगे। और इस तरह से ये हमारे ब्लू मॉकटेल तैयार हो गया है। ब्लू मॉकटेल तैयार है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें और इस गर्मी के मौसम में कुछ नया कोल्ड ड्रिंक अपने अपनों के लिए तैयार करें। और मेरे हंग्री स्पून चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और अपना प्यार और प्यारे प्यारे कमेंट्स इसी तरह से मुझे देते रहें। मेरे हंग्री स्पून चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें और उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.